श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल आज सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब नतमस्तक हुए। वहीं उनके साथ उनकी धर्मपत्नी तथा केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भी मौजूद हुई। वहीं सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन सरदार हरमिंदर सिंह का पता नहीं है कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भी कि नहीं, क्योंकि जो विकास कार्य श्रोमणी अकाली दल की ओर से शुरू करवाए गए थे उसमें से ज़्यादातर बंद हो चुके हैं, कईयों को तो ग्रांट ही नहीं मिल रही। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी इस दौरान सियासी हमला किया। एक महीने की परफॉर्मेंस है कि पंजाब के लोगों को पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री है कि नहीं। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई सुरेश कुमार है, वो मुख्यमंत्री है, होर तो कोई मुख्यमंत्री है नहीं। जो मैं उधर BRTA सिस्टम देखा, लोग सारा पट्टी आते, सारे फंड रोक दिते, सफाई कम खराब हो गई, पूरे पंजाब जिथे इट लगी सी उत्थे रह गई, लोग चक के या सरकार चक के लै गई। ऐ लगता है जिवें आ जिहड़ी कांग्रेस सरकार है जनता नाल दुश्मनी कर रही है। जनता नूं खुश करन दी बजाय, क्योंकि उन्होंने जनता ने उन्होंने विश्वास रख के उन्होंने सरकार बनाई है, वो तो ऐ लगी है जिवें कोई खुंदक नाल के दुश्मनी कढ़नी हुंदी है। ना लॉ एंड ऑर्डर इत्थे हैगा पंजाब च, रोज़ अकाली वर्करां ते दूजां नूं कतल करी जांदे कांग्रेसी। कांग्रेसी भुखे शेरां वांगू ट्रक यूनियन मगर, रेता यूनियन वांगू, आ जिहड़े जिहड़े लेबर दे ठेकेदार, इत्थे कणक चक्की नहीं गई, उत्थे कोई ठेकेदार जिहड़े आप ही ठेकेदार कांग्रेसी MLA बने फिरदे आ ते दूजे काम करदे फिरदे आ। पूरे पंजाब विच लिकर दी शराब दी कंट्रोल सारे कांग्रेस ने कर ली। आ जिहड़ा सर अमरीक सिंह ते आ पौंटी चड्डा ग्रुप जिहड़े हुण ग्रुप आ सारा उन्होंने मोनोपली कर ली। ते साडे खिलाफ़ झूठ जो इल्ज़ाम लाउंदे सी असीं क्या झूठे है, कोई वो तो वध अगर देखो की करतूतां कर रहे। तो इस करके आ तो ऐ लगे है जिवें हुण इहने बाद सियासत छड्ड देनी इन्हां ने सारा ने, कि अखीरली सियासत इन्हां दी उस काम ते लगी है। जो दुख वड्डा दुख है कि जिहड़े बड़ी स्पीड नाल डिवेलपमेंट शुरू कीती सी, हुण बहाना लाई जांदे आ खजाना खाली है। खजाना पिछले 10 साल तक ही जानू खाली है। पिछले 10 सालों असी जो सी इत्थे सारा सफाई चल रही, हुण क्यों एक दिन च किवें बंद हो गई? क्योंकि इन्हां दा इंट्रस्ट ही नहीं है, अधहुजे लुट्टन दे चल पे आ, होर कम करन दे नहीं लगे। फर्क है कि योगी जो कहिंदा BJP ओह करदी, उहने कर्जा माफ़ किया तो मिंट च करता, इन्हां ने किया कर्जा माफ़ करांगे, वोटां लै लईआं, फॉर्म भरा ले, मुकर गए। फिर कहिंदे सी असीं 2500 पेंशन कर देंगे, हुण कहिंदे असीं 500 तो वधाउणी नहीं। फिर कहिंदे घर घर नौकरी देवांगे, हुण उह वी भज गए। मैं केजरीवाल दी जे दिल्ली दी हार है, उही कैप्टन साहब दी पार्लीमेंट 'च हार होणी है। सो जिहड़े लोकां नूं क्लियर है कि आ जिहड़ी कांग्रेस सरकार है, तू देखी जायो। मैं तो हुण भी 2017 च कहती रही कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की B टीम है, कांग्रेस से आम आदमी दोनों कट्ठे होकर अकाली दल निशाना बनाई बैठे से, एक दूजे की तो गल करते नहीं सी। हुण उही कांग्रेस के राही भगवंत मान वगैरह जिहड़े गल कढ़दे सी, हुण उन्हां कांग्रेस से जाके शामिल होने लगे ने। इहदे विच कोई शक नहीं कि दिल्ली में भी आम आदमी नूं कांग्रेस ने पैदा किया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार ना बने। तो जिहड़ा केजरीवाल कहिंदा सी शीला दीक्षित नूं अंदर करांगा, ਉਹ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੇਨਕਾਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਫਾਇਆ MCD ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ 21 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ MLA ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UP 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਪਥ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਆ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁੜਕੀ ਮਾਫ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਰੱਜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾਂ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾਂ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਪਹਿਲੇ 4 MP ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, 4 ਦੇ ਵੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ MP ਵੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਢੇਰੋ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।